इस वक्त हम कांग्रेस से निकाले गए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पे हैं। ये 46 आनंद लूक है जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहते हैं। जिस तरह से कल पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था, उसके बाद कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको निष्कासित कर दिया। अब जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बचे हुए विधायक हैं उनको जयपुर शिफ्ट करा दिया गया है। बीजेपी के विधायक मानेसर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प खबर यह है कि बेंगलुरु में जो सिंधिया समर्थक विधायक थे उनमें कहीं ना कहीं अब फूट पड़ने लगी है। कई विधायकों ने ये भी कहा है कि उनको ये बताया गया था कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, न कि बीजेपी में शामिल होने के लिए। हालांकि यहाँ सिंधिया के निवास पे मध्य प्रदेश से कुछ कार्यकर्ता और जो मंडल और जिला के स्तर के नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो हर हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। बहरहाल जो पिछले 2-3 दिनों से घटनाक्रम चल रहा था उसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर हैं, बीजेपी में शामिल होना बस अब औपचारिकता मात्र है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है कि कमलनाथ और कांग्रेस के दूसरे नेताओं का ये मानना है कि इतने बड़े राजनीतिक संकट के बावजूद कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बचा ले जाएगी। कहीं ना कहीं जो फूट पड़ रही है सिंधिया समर्थक विधायकों में उसने एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।